अनिल देशमुख ने आज पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी का 90-90-90 का फॉर्मूला बना है। बाकी सीटों पर हमारे मित्र पार्टियों से चर्चा की जाएगी, उन्हें भी कुछ सीटें दी जाएगी और महाविकास आघाड़ी के तौर पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ऐसा विश्वास अनिल देशमुख ने इस समय जताया है। महाविकास आघाड़ी बाबती सद्या 90-90-90 फॉर्म्युला ठरला आहे। बाकी ज्या जागा आहेत त्या जागेच्या बाबतीत आमचे जे मित्रपक्ष आहेत त्या मित्रपक्षाची सुद्धा आम्ही चर्चा करू। त्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष आहे, CPI आहे, CPM आहे, समाजवादी पार्टी आहे, त्यांच्यावर सुद्धा चर्चा चालू आहे। त्यांनासुद्धा त्यांची चर्चा करून त्यांनासुद्धा जागा सोडण्यात येईल। आणि महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना आणि मित्रपक्ष म्हणून आपण म्हणून आम्ही एकत्रपणे या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत। आपल्याला मी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक झाल्यानंतर जी सरकार येणार आहे ती फक्त महाविकास आघाडीची सरकार असेल। 180 वरती आमच्या महाविकास आघाडीच्या जागा निवडून येतील। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड, ब्रेक डांस, डांसिंग कार, मौत का कुआं, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञान वर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावनी रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।